Hello friends, my name is Sonu and welcome to my channel Many Creative Ideas. Today I will show you how to make a vacuum cleaner at home. Yani ki घर पर वैक्यूम क्लीनर कैसे बनाते हैं, तो जानने के लिए मेरी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए। और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक ऐसी एक प्लास्टिक बोतल चाहिए होगी, जिसको दोस्तों आपको यहाँ से इतना काट लेना है और आपको यहाँ वाला पार्ट अलग रख देना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले से काट कर बता देता हूँ कि उसके बाद क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से इस बोतल को काट लेना है और आपको इस वाले पार्ट को अभी उठाकर रख देना है, क्योंकि ये बाद में काम आने वाला है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको एक दोस्तों एक एल्युमिनियम शीट चाहिए, जिस पर कि दोस्तों आपको यह बोतल की यहाँ पर ये गोलाई ड्रॉ करनी है और इससे थोड़ा छोटा आपको इस प्रकार का एक सर्कल काट लेना है। इस प्रकार का सर्कल काटने के बाद दोस्तों आपको उस पर 8 बराबर की लाइन बना देनी है, उसका सेंटर मार्क करके। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इन 8 लाइन को काट लेना है और उससे दोस्तों आपको एक फैन बनाना है। देखिए मैं आपको बनाकर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको इस एल्युमिनियम शीट से इस प्रकार का एक फैन बनाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों एक पैन का थोड़ा सा पीस लेना है और उसको आपको इस 12 वोल्ट डीसी मोटर की शाफ्ट में लगा देना है। अब दोस्तों आपने जो फैन बनाया था उसको भी दोस्तों आपको इस प्रकार से ऐसे लगा देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक पैन का पीस और चाहिए, जिसे आपको इसमें ऐसे लगा देना है ताकि ये फैन आपका बाहर ना निकले। तो अब देखिए मैं आपको इस इन सभी को जोड़ देता हूँ और उसके आगे का स्टेप फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस फैन को और इस पैन के पीस को आप 12 वोल्ट डीसी मोटर में आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, यह बिल्कुल सही तरीके से बन चुका है। आप दोस्तों इसको एक बार ऐसे घुमा के देख लीजिएगा कि यह किसी चीज़ से अटक तो नहीं रहा है, अगर यह अटकेगा तो यह सही काम नहीं करेगा। तब दोस्तों मैंने यह चलाकर भी देख लिया है, यह बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों आपको इसकी वायर का कनेक्शन इस प्रकार से करना है कि यह फैन की हवा इस पीछे की तरफ आए, ना कि आगे की तरफ। अगर इसकी हवा आगे की तरफ आएगी तो दोस्तों आपका वैक्यूम क्लीनर सही नहीं बनेगा और वह दोस्तों हवा को अंदर नहीं खींचेगा। इसी वजह से दोस्तों आपको इस प्रकार से इन वायर का कनेक्शन करना है कि इसकी हवा जो पीछे की तरफ आए। अगर दोस्तों इसकी हवा आगे की तरफ आएगी तो आप एक बार वायरों को पलट कर प्लस माइनस की वायर को आपस में पलट कर देख लीजिएगा, जिससे कि इसकी हवा पीछे की तरफ आए। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों एक इस प्रकार की एक डिब्बी चाहिए, जिसमें कि दोस्तों यह 12 वोल्ट डीसी मोटर आसानी से फिट हो सके। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जो बोतल आपने काटी थी उसके बीचों बीच में दोस्तों आपको इस प्रकार से इसे ऐसे चिपका देना है और इसमें दोस्तों आपको एक होल करना है, ताकि यह वायर आप उस होल से आसानी से निकाल सकें, और फिर आपको इसको भी इसमें चिपका देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको इन दोनों पीस को इस बोतल में फिक्स कर देना है। मैं अभी आपको इन दोनों पीस को इस बोतल में फिक्स करके बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से 12 वोल्ट की डीसी मोटर को इसमें ऐसे फिक्स कर देना है बीचों बीच इस बोतल के। और दोस्तों एक बार आप इस फैन को ऐसे घुमा के देख लीजिएगा कि ये बोतल में कहीं टकरा तो नहीं रहा है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको इस बोतल में पीछे की तरफ थोड़े बहुत सारे होल करने हैं, जिससे कि ये फैन जब पीछे की तरफ हवा खींचेगा तो वह यहाँ से बाहर निकल जाए। तो मैं जल्दी से इसमें होल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से होल कर लेने हैं बोतल के पीछे, ताकि इस फैन की हवा इस होल की मदद से आसानी से बाहर निकल सके। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक कार्डबोर्ड पीस लेना है और दोस्तों आपको उसको उस पीस को दोस्तों आपको इस बोतल के अंदर की तरफ चिपका देना है,
तो दोस्तों आपको उसे इस प्रकार चिपकाना है कि आधा अंदर की तरफ रहे और आधा बाहर की तरफ। अब मैं इसको भी चिपका देता हूँ और फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताता हूँ। देखिए दोस्तों आपको इस प्रकार से यह कार्डबोर्ड का पीसेस बोतल के अंदर चिपका देना है डबल साइडेड टेप की मदद से। दोस्तों आप इसे ग्लू गन के ग्लू से मत चिपकाइएगा, क्योंकि मैंने चिपकाने की कोशिश करी थी जिसकी वजह से बोतल थोड़ी मुड़ चुकी है गर्म होके। और दोस्तों मुझे इसका बोतल का थोड़ा सा काटना पड़ गया। आप दोस्तों यह गलती मत करिएगा, आप दोस्तों इसे डबल साइडेड टेप की मदद से ही चिपकाइएगा, या फिर आपके पास फेविकॉल हो, कोई अच्छा वाला फेविकॉल हो उससे आप चिपका सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको दोस्तों एक इस प्रकार का एक नेट वाला कपड़ा लेना है और दोस्तों आपको उसे इसके ऊपर ऐसे चिपका देना है। इसको चिपकाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो बोतल का पीस आपने अलग रखा था उसे आपको इसके ऊपर वापस लगा देना है। पहले दोस्तों मैं इसको चिपका लेता हूँ इस प्रकार अच्छे से, और फिर मैं इसको भी इसमें फिक्स कर दूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस कपड़े को इसके ऊपर चिपका देता हूँ अच्छे से। देखिए दोस्तों आपको इस प्रकार से ये नेट वाला कपड़ा इस बोतल के अंदर लगा देना है, और फिर आपको बोतल के बाहर का ये वाला हिस्सा इस पर ऐसे अच्छी तरीके से चिपका देना है ताकि यहाँ से हवा बीच में लीक ना हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक ऐसा एक कार्डबोर्ड रोल चाहिए, और दोस्तों आपको इसे बोतल के आगे चिपकाना है और फिर यहाँ से आपको थोड़ा ऐसे में काट लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको इसमें स्विच लगाना है और 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर का सॉकेट लगाना है। तो मैं ये सब जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों मैं आपको इसे टेस्ट कराकर बताता हूँ कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलिए जल्दी से मैं इसे फिक्स कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों यह मेरा वैक्यूम क्लीनर पूरी तरीके से बन चुका है। मैंने दोस्तों इसे थोड़ा टेप की मदद से अच्छे से सजा दिया है। आप अपने हिसाब से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने यह आपको दिखाने के लिए थोड़ा बहुत ऐसे ही कर दिया है, आप अच्छे से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसमें एक 12 वोल्ट डीसी कनेक्टर भी लगाया है और एक स्विच भी लगाया है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको इसे चेक करके बताता हूँ कि यह सही काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों यह 12 वोल्ट डीसी अडेप्टर मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए दोस्तों मैं इसका स्विच चालू करूँगा। तो देखिए दोस्तों यह चालू हो चुका है। अब देखिए दोस्तों यह बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। आप भी दोस्तों इसी प्रकार से घर पर एक वैक्यूम क्लीनर बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मैं इसी प्रकार की और भी नई नई वीडियो लाता रहूँगा, बनाता रहूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।